Hello, good evening students. How you hope all of you are doing well? Myself Bhavani Singh Jadhavan, the faculty of biology and EVS, and I hereby welcome all of you on Examport Teaching School. तो स्वागत है आप सभी का Examport Teaching School में, जहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है आपकी आगामी सुपर टेट और रीट परीक्षा, रीट कह रहा हूँ सॉरी, ठीक है, सुपर टेट और आपका DSSSB की, ठीक है, करंट अफेयर्स की, मतलब सॉरी करंट अफेयर बोल रहा हूँ, क्या हो गया आज, ऐसा लग रहा है गांजा पी लिया, ठीक है, जनरल अवेयरनेस की. तो एक बार जल्दी से आ जाइए और बता दीजिए आवाज वगैरह क्लियर आ रही है कि नहीं. हेलो 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 टू एवरीवन. भैया भैया सो जय हिंद जय भारत. गुड इवनिंग गुड इवनिंग 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 इवनिंग, ठीक है. तो एक बार जरा जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए ताकि आज का आपका सेशन जल्दी से स्टार्ट किया जाए और करें कुछ नए सवाल, ठीक है, बेहतरीन शानदार जबरदस्त. सर UPBED की क्लासेस कब स्टार्ट होगी, होगी भी या नहीं? पूर्णिमा यादव होंगी एक्चुअली, अभी थोड़ा सा इसलिए बिजी चल रहे हैं बिकॉज आपका 26, 27, 28 को जो मेन मतलब जो पूरा स्टाफ है वो है नहीं, केवल टीचिंग के टीचर्स रहेंगे, बाकी कोई है नहीं. उसके बाद मार्च में बेसिकली स्टार्ट करेंगे बिकॉज सब जा रहे हैं वैष्णो देवी, ठीक है, माता के दर्शन करने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा बिजी चल रहा है अभी उसकी तैयारी में, ठीक है. तो मैं तो रहूंगा, टेंशन मत लो, मेरी छुट्टी नहीं है, मतलब मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दूंगा. चलिए तो गुड इवनिंग सभी को. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है. सेशन स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, आपको 28 फेब तक मिल रहा है किसी भी कोर्स पे 60% का और कोई सी भी बुक पे 30% का डिस्काउंट एग्जामपुर की, ठीक है. इन ऑफर को लेने के लिए आप कूपन कोड जो यूज कर सकते हैं वो बैच के लिए सुपर 60 है और बुक के लिए बुक 30 है, ठीक है. ये ऑफर केवल 28 फेब तक उपलब्ध रहेगा. तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है. आज का आपका बेसिकली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे ये बोलते हुए, संसद ने हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए एक विधेयक पारित किया, ठीक है. दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश. तो पार्लियामेंट है रिसेंटली पास्ड ए बिल टू रेगुलेट सॉरी टू रेगुलराइज अनऑथोराइज कॉलोनीज इन विच स्टेट, ठीक है, और यूटी. तो किधर किया था? हाल ही 2021 में हुआ था, काफी हुआ था ये. सर सच्ची बताओ, आप नहाए हो ना आज? ठीक है, जब मैं नहाया होता हूं तब तुम नहीं बोलते कि है ना तुम सर आज आप नहीं नहाए हुए लग रहे हो, और जब मैं नहीं नहाया होता तब बोलते हो सर आप नहाए हो, गजब. बिट्टू वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है. बेसिकली बिल का जो नाम था वो था नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है, और ये बेसिकली कहाँ हुआ आपका 2021 में हुआ था, ठीक है, कहाँ पे? दिल्ली में. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छी शुरुआत सारे लोगों की, ठीक है. पहला आंसर आप सभी का सही, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ए. नेक्स्ट थिंग इज, किस संस्थान ने वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट जारी की, ठीक है. तो कौन सा संस्थान बेसिकली आपका वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट आउटलुक जारी करता है, ठीक है. तो कौन सा संस्थान है, संस्थान का नाम क्या है? सर MPTET, निर्मल पांडे, MPTET की आपकी 3 दिन मेरी वो चलेगी, ठीक है, आपका MP वाला चैनल है वो आपकी, मतलब यहाँ टीचिंग वाले चैनल पे भी चल जाएगी, बाकी आपका MP का एक चैनल है. तो 3 दिन आपका मेरे साथ मैराथन रहेगी, 3-3, 4-4 घंटे की, उसमें मैं सारा कवर करवा रहा हूँ. वेरी गुड ममता. तो बताइए कौन सी करता है, IMF, IRENA या फिर आपका विश्व बैंक? तो कौन सा इंस्टीट्यूशन, कौन सा संस्थान आपका वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है, IEA, IMF, IRENA या फिर वर्ल्ड बैंक, ठीक है. चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है. इसको कहते हैं, ठीक है, भेड़ चाल चलना. आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक जो ये रिपोर्ट है ये आपकी जारी करी जाती है, ठीक है, IRENA द्वारा. IRENA दैट इज इंटरनेशनल रिन्यूएबल
एजेंसी, ठीक है, आयरेना, ठीक है, तो आयरेना द्वारा जारी करी जाती है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एजेंसी द्वारा, ठीक है। तो आयरेना, इसका जो आपका हेडक्वार्टर है वो बेसिकली आपका कहाँ है, ठीक है, अबू धाबी में है, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त राष्ट्र अमीरात में, अमीरात में, ठीक है। तो आयरेना, ठीक है, आपका बेसिकली एक एजेंसी है जो कि आपकी रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करती है, ठीक है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, ठीक है, सी, ठीक है। आयरेना की जो आपकी बेसिकली फाउंडेशन हुई थी, स्थापना जो हुई थी, ठीक है, वो आपका 26 जनवरी 2009 में हुई थी, ठीक है, बट ये एनफोर्स स्टार्ट हुआ आपका 8 जुलाई 2010 से, ठीक है। तो 26 जनवरी 2009 में इसकी स्थापना हुई थी और आपकी 8 जुलाई 2010 से ये बेसिकली क्या एनफोर्स, मतलब कार्य में आया, ठीक है। तो दैट इज आयरेना, ऑल अबाउट द आयरेना, और बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आपकी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। भारत इसका 77th मेंबर है, ठीक है, भारत इसका कौन सा मेंबर है, 77वां मेंबर है। सर आप मेरी बात सुन लो, परिवर्तन 2.0 में आपका ईवीएस कैप्सूल इंग्लिश में नहीं डाला है, मेरा मेरा इंग्लिश ईवीएस कैप्सूल नहीं है, वो पवन सर ने डिजाइन किया होगा, मैं देख लूंगा, चेक कर लूंगा। धर्म मुद्रा है, वेरी गुड, हाँ धर्म मुद्रा है वहीं का, ठीक है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, ठीक है, दैट इज आपका कौन सा है, सी। चलिए नेक्स्ट थिंग इज, किस भारतीय को विटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था, नुकलू फॉर्म, ठीक है, अक्षय कुमार, मैरी कॉम या सुजाना डिसूजा, ठीक है। तो विटली अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड है, ठीक है, अभी बताता हूं इसके बारे में, पहले आप आंसर दे। ठीक है, तो वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्या बात है, आप तो सभी सही कर रहे हो, ठीक है। सर बीएड वाले प्राइमरी से अलग हो गए, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया, काय को अफवाह उड़ा रहे हो, ठीक है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, ठीक है, विटली अवार्ड, ठीक है, 2021 का पहले भारतीयों को मिला, ठीक है, पहले भारतीयों को मिला, अभी तक भारतीयों को नहीं मिला था, ठीक है, पहले भारतीयों को मिला, इनका नाम है नुकलू फोम, ठीक है, ये आपके बेसिकली नोगलैंग रीजन, नागालैंड के है, ठीक है। बेसिकली विटली अवार्ड आपका दिया जाता है किसके लिए, प्रकृति की संरक्षण के लिए, नेचर कंजर्वेशन के लिए। अगर आपसे कोई पूछ ले विटली अवार्ड किस लिए है, तो प्रकृति के संरक्षण के लिए, ये हर साल, ठीक है, ऑर्गेनाइज करता है आपका विटले फंड फॉर नेचर द्वारा, ठीक है, WFN द्वारा। बेसिकली इस अवार्ड को जीतने वाले को, ठीक है, एक साल तक प्रोजेक्ट के रूप में, मतलब जो भी उनका प्रोजेक्ट कार्य होता है, ठीक है, उसमें, ठीक है, आपकी 40,000 पौंड की राशि दी जाती है एक साल के लिए, ठीक है। और इस अवार्ड को, विटली अवार्ड को आपका ग्रीन ऑस्कर भी बोला जाता है, मतलब ग्रीन ऑस्कर बोला जाता है। तो दैट इज द ऑल इन्फो रिलेटेड टू आपका विटली अवार्ड, एंड दैट इज अबाउट निकलू फॉर्म नागालैंड के। आमूर फाल्कन संरक्षण के लिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ए। नेक्स्ट थिंग इज, रक्त विकार का क्या नाम है जिसमें कम हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कोशिकाएं शामिल है, ठीक है, मतलब कम हीमोग्लोबिन होगा और कम आरबीसी होगी, ठीक है। तो रक्त विकार का क्या नाम है, ठीक है, और बेसिकली व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लड डिसऑर्डर विच इन्वॉल्व लेसर हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, अनीमिया, थैलेसीमिया, ल्यूकेमिया या हीमोफीलिया। ल्यूकेमिया,
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो आपका ऐसा रक्त विकार जिसमें आपकी हीमोग्लोबिन की भी मात्रा कम है और आरबीसी की मात्रा भी कम है, ठीक है, तो ये रक्त विकार है आपका बेसिकली कौन सा? अनीमिया। ठीक है, कईयों टाइप के होते हैं अनीमिया, ठीक है, बट अगर यही क्वेश्चन में अनुवांशिकित लिखा होता, ठीक है, अगर क्वेश्चन के भीतर में यही आपका रक्त विकार का क्या नाम है जो कि अनुवांशिकी है जिसमें कम हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कोशिकाएं शामिल है, तब आपका आंसर अनीमिया ना होके क्या लग जाता? थैलेसीमिया लग जाता। ये आपका कैसा है? जेनेटिक अनीमिया है, ठीक है, तो थैलेसीमिया इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ अनीमिया। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया बेसिकली बोला जाता है ब्लड कैंसर को, इसमें आपकी डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और हीमोफीलिया, इट इज ऑल्सो ए जेनेटिक डिजीज, बट हीमोफीलिया में होता क्या है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती। ये आपके दो तरह के भी होते हैं, ठीक है, टाइप ए टाइप बी, ठीक है, टाइप ए हीमोफीलिया, ठीक है, ये आपका दैट इज फैक्टर 8, क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी, क्या एब्सेंस की वजह से होता है। और टाइप बी हीमोफीलिया आपका क्लॉटिंग फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होता है, और इसी को हम क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं, और यही आपका बेसिकली एब्सेंट है किसमें, ये वाला बेसिकली किसमें नहीं है, ठीक है, रॉयल फैमिली में नहीं है, और इसी को आप रॉयल डिजीज बोलते हो। तो जो आपकी लंदन की महारानी है उन्हें आपका हीमोफीलिया टाइप बी है, ठीक है, उनको टाइप ए वाला हीमोफीलिया नहीं है, टाइप बी है, ठीक है। फैक्टर 8 का नाम एंटी हेमोरेजिक फैक्टर AHF होता है, ठीक है, और फैक्टर 9 का नाम क्रिसमस फैक्टर होता है, तो ये इन्फो भी याद रखें, क्लियर है। यूपीटेट का रिजल्ट कब आ रहा है सर जी? दीपिका शांडल्य जहां तक है 25 को आ जाना चाहिए, ठीक है, तो 25 को आ जाना चाहिए। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए अनीमिया, ठीक है, जो ल्यूकेमिया लगा रहे थे भैया, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया बोलते हैं। नहीं बेटा, हीमोफीलिया विक्टोरिया की महारानी प्रिंस नहीं, हीमोफीलिया बेसिकली तीन तरह के होते हैं, ठीक है, तीसरा वाला कम देखा जाता है इसलिए पढ़ाया नहीं जाता। हीमोफीलिया दो तरह के मेनली दिखते हैं, टाइप ए टाइप बी। जो लंदन की महारानी है उन्हें ये वाला हीमोफीलिया, ठीक है, फैक्टर 9 वाला, ठीक है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, हाँ, सी टेट से पहले यूपी टेट आ जाएगा, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर है ए। चलिए, नेक्स्ट थिंग इज AMB, ठीक है, जो कि IIT हैदराबाद द्वारा विकसित नैनो फाइबर आधारित टैबलेट है जो किस बीमारी के इलाज के लिए यूज होती है? काला अजहर, मलेरिया, डेंगू या फिर जापानीज एनसेफेलाइटिस? तो AMB इज द नैनो फाइबर बेस्ड टैबलेट डेवलप्ड बाय द IIT हैदराबाद फॉर क्योरिंग विच डिजीज? काला अजहर, मलेरिया, डेंगू या फिर आपका गू नहीं होता, बोलना पड़ता है गू, होता डेंग है, ठीक है, डेंग, ठीक है, जापानीज एनसेफेलाइटिस, बताइए। सीटेट का रिजल्ट कब तक आएगा? अरे यार, तुमको मैं क्या शासन का आदमी लगता हूँ क्या? है मतलब जो देखो इसका रिजल्ट कब आएगा, उसका रिजल्ट आएगा, भाई उनके ऊपर है, जब निकाल दे तब आएगा, मेरे कहने से मैं तो बोल दूँ परसों आ जाएगा, या पर तुम लोगों को लगता है मैं आईबी में काम करता हूं, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, जय निकालता रहता हूं नेट से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, जापानीज एनसेफेलाइटिस, बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं AMD होती क्या है। AMD इज अ ड्रग, इसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिसिन। ये तीन तरह की होती है, एम्फोटेरिसिन ए, एम्फोटेरिसिन बी, एम्फोटेरिसिन सी, ठीक है। और एम्फोटेरिसिन बी जो है ये बेसिकली आपकी प्रोटोजोअल डिजीज और फंगल डिजीज को ठीक करने में काम करती है, ठीक है। अब यहां ढूंढो, ठीक है, प्रोटोजोअल डिजीज कौन सी है, ठीक है, तो ये भी प्रोटोजोअल है, ये भी प्रोटोजोअल है, ठीक है, डेंगू आपकी वायरल है, ठीक है, एनसेफेलाइटिस ये वायरल है, ये दोनों वायरल है, और ये दोनों आपकी प्रोटोजोआ परजीवी है ना। तो अपने ये दोनों तो आंसर से गए, तो जितने डी लगा रहे थे कोई बात नहीं, ऐसे हाथ उठाओ, ठीक है, ऐसे कमर पे हाथ रखो और दो ठुमके लगा लो, क्योंकि तुम्हारा तो गलत हो गया। अब द थिंग इज प्रोटोजोअल डिजीज के लिए है, अब ये भी प्रोटोजोअल है, ये भी प्रोटोजोअल है, ठीक है, बट ये प्रोटोजोअल में दो डिजीजेस में बेसिकली क्योरिंग में काम आती है, एक तो आपकी होती है अमीबाइसिस,
एमीबियासिस, ठीक है, और एक होती है आपकी दैट इज लीशमैनियासिस, ठीक है, और लीशमैनिया, ठीक है, का दूसरा नाम होता है काला अजर, ठीक है, बिकॉज इस डिजीज का जो प्रोटोज हुआ है वो लीशमैनिया डोनोवैनी ने सर्च किया था. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ए. गुरुजी नहा भी लिया करो. नहीं नहाएंगे, हमारी मर्जी, हमारी मर्जी है, ठीक है. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, ठीक है, ए. इस प्रश्न का उत्तर है क्या ए. हाँ, अगर आपकी ऑप्शन में कोई भी प्रोटोजोअल डिजीज नहीं होती तब आपको क्या चूज करना था, फंगल डिजीज. तो जो फंगल डिजीज है मोस्टली ये आपकी फंगल डिजीज को ठीक करती है. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ए, काला जर, ठीक है. काला जर का दूसरा नाम क्या है? एक तो लीशमैनियासिस पता लग गया आपको, ठीक है. काला जर का दूसरा नाम क्या है, जल्दी बताओ. एक तो लीशमैनियासिस पता लग गया, दूसरा नाम क्या है इसके? एग्जाम में ज्यादातर इसके दूसरे नेम ज्यादा पूछे जाते हैं. काला जर का दूसरा नाम क्या है? तो अगर काला जर का दूसरा नाम पूछा जाए तो या तो ऑप्शन में देखना बोन मैरो फीवर, या तो ये होना चाहिए अस्थि मज्जा बुखार, और ये भी नहीं है तो फिर लास्टली आप सर्च करेंगे क्या, दैट इज दम दम फीवर. दम दम फीवर जिसमें निकले दम, वो है दम दम रोग. दम दम एक्चुअली में कलकत्ता की एक जगह का नाम है, ठीक है. एमपी टेट का भी कुछ ध्यान दीजिए. प्रभा पटेल बता तो दिया शुरुआत में ही, 3 दिन लगातार चार चार घंटे की मैराथन चलेगी मेरे साथ, ठीक है, टेंशन मत लो. कालिया फीवर, बहुत बढ़िया. रहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है. कालिया फीवर, कालिया, हरिया, पीलिया, सोनिया, गोरिया, सब नाम रख दो, गोटिया, ठीक है. तो या तो आप बोन मैरो फीवर ढूंढेंगे ऑप्शन में अस्थि मज्जा का बुखार, या फिर आप सर्च करेंगे क्या, दैट इज दम दम फीवर. चलिए, मेरी क्लास सुपर टेट सफलता बैच, सफलता बैच में तो कंप्लीट करा दी ना, नहीं सॉरी, सफलता में टारगेट में कंप्लीट कर, सफलता बैच में एक बार योगेश सर पढ़ा ले अपना, एक बार अपना, या तो अगर बायोलॉजी चलानी है तो योगेश सर कंप्लीट हो जाने दो, और अगर वो चलानी है क्या बोलते हैं ईवीएस चलानी है तो उनका कंप्लीट होने दो, क्या बोलते हैं अपने योगिंदर सर का, तब चलेगी. चलिए, नेक्स्ट थिंग इज होला मोहल्ला किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाए जाने वाला त्योहार है? राजस्थान, पंजाब, गोवा, उड़ीसा. मुंबई से नमस्ते. ए सरोगा, तुम थोड़े दिन पहले अंडमान से थे, आज तुम मुंबई से हो गए. तुम्हें क्या लगा मेरे को याद नहीं रहता क्या? कमेंट में किसने क्या लिखा है, एनएचएम की भी क्लास करवा दो. एनएचएम ये क्या होता है, होटल मैनेजमेंट. सर आपके बाल कट गए? अबे नहीं कटे दुष्टो, ये लो, ये ले. है होगा खुश जटाए देख के. कैसा फेस्टिवल है? चलिए, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी होला मोहल्ला किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है, आपका मनाया जाने वाला त्योहार है. बेसिकली आपका होला मोहल्ला, ठीक है, नाम से समझो, काय के आसपास पड़ता होगा होला मोहल्ला, ठीक है, नाम से समझो, नाम 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 कौन से त्योहार से रिलेट कर रहा है. चलिए, तो पंजाब में, ठीक है, जो सिख आपके धर्म को पूछते हैं, सिख जो होते हैं, ठीक है, उनकी एक बहुत ही मतलब रिलीजियस प्लेस है आनंदपुर साहिब, ठीक है, रूपनगर में, ठीक है. तो होली के टाइम पे वहां पे आपका बेसिकली होली के टाइम पे लगने वाला एक तरीके का मेला है जिसको हम बोलते हैं क्या,
होला मोहल्ला, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी पंजाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, विश्व संगीत तानसेन उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है, नहीं जाता है, जा रहा है, पहली बार थोड़ी हो रहा है, जाता है। तो विश्व संगीत तानसेन उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जगीरा डाकू लग रहे, मेरे मन का भाया मैं कुत्ता काट के खाया। स्किन पे व्हाइट स्पॉट, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, ल्यूकोडर्मा भी हो सकता है ना। ठीक है, तो कौन सा है, ऐसे कैसे बता दूं, स्किन पे व्हाइट स्पॉट फंगल इन्फेक्शन की वजह से है, ल्यूकोडर्मा की वजह से, काई की वजह से। चलिए, तो आपका बेसिकली विश्व तानसी संगीत तानसेन उत्सव, ये बेसिकली 5 दिनों का त्योहार है, 5 डेज का। ठीक है, आपका 5 दिन के लिए बनाया जाता है, 26 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक, और ये हर साल बनाया जाता है आपका कहाँ, ग्वालियर। ठीक है, तानसेन की धरती मध्य प्रदेश में। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बी। ठीक है, तो 5 दिन का उत्सव होता है ये। ठीक है, एमपी ग्वालियर, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो मध्य प्रदेश ग्वालियर में आपका बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि आपका ग्वालियर आपकी तानसेन की धरती बोली, या गालब नगरी और तानसेन की धरती बोली जाती। तंत्रिका तंत्र की अनुपस्थिति के बावजूद हाल ही में कौन सा सांचा यादों को सहजने में सक्षम पाया गया है। ठीक है, तो विच मोल्ड वॉज रिसेंटली फाउंड टू बी कैपेबल ऑफ सेविंग मेमोरीज डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेविंग मेमोरीज, ये नहीं है कि ये तुम्हारी यादों को सेव कर लेगा। ठीक है, ये तुमने कोई याद ली और इसको बोला सुन सुन रे, मेरी ये याद सेव कर ले, मतलब आप जो इसके साथ रिएक्शंस होती है बॉडी के अंदर, वो उन सबको है ना, उनकी रिएक्शंस को सेव करके रखता है, इन स्पाइट ऑफ डोंट हैविंग ए नर्वस सिस्टम। बताइए, हाँ इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए क्या करें, अरुण वर्मा, विटामिन सी के टैबलेट्स ले, या फिर बॉडी को प्रकृति के ऊपर छोड़ दे, नेचर के ऊपर छोड़ दे, एसी वगैरह में ज्यादा ना बैठा करे, जितना हो सके एनवायरनमेंट का एक्सपोजर लो। ठीक है, धूल मिट्टी में खेलो। ठीक है, ऑटोमेटिकली इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो जितना लोग पॉश इलाके में रहते हैं, पॉश इलाके में रहने से मतलब, कहने का मतलब, जो पूरे टाइम एसी में रहते हैं, ठीक है, जो खेल स्पोर्ट्स वगैरह नहीं खेलते हैं, जो धूल मिट्टी में नहीं खेलते हैं, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना, धूल मिट्टी में खेलने उसको मना कर देते हैं। धूल मिट्टी में जितना खेलोगे उतना ज्यादा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। फॉर ए काइंड ऑफ एग्जाम्पल, एक त्योहार आने वाला होली, ठीक है, तुम बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में होली बनाते होगे। ठीक है, गुलाल लगा दिया, कलर कूद दिया, हमारी साइड है ना, ठीक है, बिल्कुल कीचड़ में नहला दिया जाता है। ठीक है, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और बिल्कुल लपेट के कीचड़ के अंदर लिटाल दिया जाता है। तो जो स्लम्स के बच्चे होते हैं, ठीक है, मतलब जो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, ठीक है, वो होली के टाइम पे वो जो बगल में नाला बह रहा होता है ना, उसी में जाके चपड़ा होलिया, वहां होली खेलते हैं। और अगर तुमने खेल ली ना उसमें, ठीक है, शाम तक ना चेहरे के 12 बज जाएंगे। एक बात बताओ, तुम लोगों को क्या मैं बंगाली बाबा लगता हूँ क्या? ठीक है, एक एक काम करा करूँ ना, हर शनिवार को क्लास की जगह ओपीडी लगा दिया करूँ। है सर मेरे चेहरे पे मस्से हो गए, मैं क्या करूँ, सर मेरे बाल कम आ रहे हैं, मैं क्या करूँ, सर ये कैसे होता है, सर बहुत तेज, बहुत दिनों से यार साइड में दर्द हो रहा है, क्या करूँ। है, अबे टीचर हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ। चलिए, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, ठीक है, पाइसोरम पॉलीसेफेलम। ठीक है, ये आपका मोल्ड है जो कि बेसिकली सारी एनवायरमेंटल की जो भी रिएक्शंस होती है उनको एज अ मेमोरी सेव कर लेता है और अपने आपको इवॉल्व करने में लगता है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी। नेक्स्ट थिंग इज, हाल के आंकड़ों के अनुसार चिल्का झील में किस प्रजाति की जनसंख्या दोगुनी हो गई है।
ठीक है, डॉल्फिन, मगरमच्छ, बिल्ली, मछली, कछुआ। बिट्टू बेटा तुमको जुखाम बुखार पूरे टाइम रहता है, तो जुखाम बुखार को ऑटोमेटिकली ठीक होने दो, बिकॉज जुखाम बुखार के लिए ना कोई टीका बनेगा ना कोई दवाई बनेगी। रीजन इज जुखाम बुखार के 600 टाइप के वायरस मिलते हैं, और हर वायरस के अंदर म्यूटेशन की कैपेबिलिटी है उसका, पूरे टाइम म्यूटेट होते रहते हैं, तो कितनी चीजों के लिए कितनी दवाइयां बना दे हम, इसलिए जुकाम बुखार नेचुरली ठीक करो। चलिए बताइए, तो हाल ही इनके आंकड़ों के अनुसार चिल्का झील में किस प्रजाति की जनसंख्या दोगुनी हो गई है? ठीक है, तो किस चीज की जनसंख्या दोगुनी हो गई है? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डॉल्फिन की। ठीक है, तो डॉल्फिन की आपकी जो अमाउंट है, डी नहीं है, डी नहीं है, नहीं है डी, डॉल्फिन, अबे डॉल्फिन की, कैटफिश की। ठीक है, तो डॉल्फिन की आपकी अमाउंट क्या हो गई है? बढ़ गई है। ठीक है, इसमें आपका हाल ही के अनुसार, ठीक है, चिल्का झील पे। चलिए नेक्स्ट थिंग इज लिटिल ब्लड टेल, जिसे मानसून का अग्रदूत माना जाता है, किस प्रकार की प्रजाति से संबंधित है? हमिंग बर्ड, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई, मेंढक या फिर कछुआ। तो लिटिल ब्लड टेल विच इज द कंसीडर्ड एज द हार्बिंजर ऑफ द मानसून बिलोंग टू विच टाइप ऑफ स्पीशीज? तो बताइए लिटिल ब्लड टेल क्या होता है? यह वही चीज है जो आप बेसिकली मानसून में सबसे ज्यादा, मतलब बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा उड़ते हुए देखते हो। सर मेरा कमेंट आपको दिखता है? बिल्कुल दिखता है। बताइए, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी वेरी गुड। ठीक है, तो आपने देखा होगा ड्रैगन फ्लाई, जिसे आप हेलीकॉप्टर भी बुलाते हो, इसे आपका डेविल्स आई भी बोला जाता है, इसको आपका डेविल राइड भी बोला जाता है। ठीक है, कई लोग मानते शैतान का सूचक है, कोई शैतान ऐतान का सूचक ना है। ठीक है, जैसे ही मानसून आने वाला होता है इनकी, वो क्या उस टाइम का ये ब्रूडिंग ब्रीडिंग सीजन होता है, तो इनकी अमाउंट आपको ज्यादा दिखने लगती है। इसको आप कॉमन भाषा में हेलीकॉप्टर भी बोलते हो, सबने देखा भी होगा, बहुत सारे लोग मानते हैं इनको पकड़ लोगे तो फर्स्ट रैंक आ जाएगी, तो जय करते रहो तुम, फर्स्ट रैंक आ जाएगी। चलो नेक्स्ट थिंग इज पश्चिमी घाट से स्किंक की एक नई प्रजाति पाई गई है। स्किंक क्या है? मछली है, सरीसृप है, ठीक है, कीट है या फिर पक्षी है? ठीक है, न्यू स्पीशीज ऑफ स्किंक वॉज फाउंड फ्रॉम वेस्टर्न घाट, वॉट इज ए स्किंक? कोई जरूरी नहीं है स्किंक आपका पश्चिमी घाट में मिलती है, ये हर जगह देखने को मिलती है, बट इस स्किंक की एक नई वेरायटी आपकी पश्चिमी घाट में देखने को मिली है। यूपी में भी मिलती है, एमपी में भी मिलती है, ठीक है, राजस्थान में भी मिलती है, कईयों जगह मिलती है। बताइए तो स्किंक क्या है? तो वेरी गुड, तो स्किंक, इसे आप सांप की मौसी के नाम से, बहुत ज्यादा फेमस होगा आपके यहाँ पे, ये सांप की मौसी है, देखा होगा ये कितना छोटी सी सांप जैसी दिखने वाली होती है, हालांकि सांप वाप की फैमिली में नहीं आती, हाँ बट इट इज अ रेप्टाइल, इट इज अ लिजर्ड। ठीक है, एक तरह की रेप्टाइल है, लिजर्ड्स की फैमिली में आती है। ठीक है, और ये आपका क्या है? सरीसृप है, तो सब कहते हैं इसको बबनी भी बोलते हैं, मतलब तुम्हारे यहाँ हमारे यहाँ तो बाबनी बोलते हैं ऐसे। ठीक है, तो तुमने देखा होगा, मतलब इसके बारे में ये भी कहावत है कि इसको काट ले, अगर स्किंक आपको काट ले तो काटने वाला पानी नहीं मांगता, तो बेटा जहरीली नहीं होती है ये। ठीक है, कोई भी स्किंक आपकी जहरीली नहीं होते, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, ठीक है, बी, क्लियर? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन, हाँ बबनिया वही। ठीक है, चलो दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से किस भारतीय शहर को दूसरा सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? गाजियाबाद, कानपुर, गुरुग्राम या फिर दिल्ली? बवनिया लाल होती है? नहीं बेटा, ममता लाल नहीं,
डिपेंड अपॉन द पिगमेंटेशन, या आपकी ब्लूइश कलर की भी देखने को मिलती है। हाँ वही, ओ बवनिया, बवनिया, ओ बवनिया, ओ। जिला गाजियाबाद, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से, ठीक है, आपके बेसिकली, ठीक है, और फर्स्ट नंबर पे तो है आपका कौन सा, लाहौर। दूसरे नंबर पे आपका कौन सा, गाजियाबाद, ठीक है, और तीसरे नंबर पे है आपका दिल्ली, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे आपका जो सबसे पॉल्यूटेड सिटी है, ठीक है, वो है आपकी कौन सी, गाजियाबाद। अंडर 25 सिटीज, ठीक, 25 शहरों में, मतलब अंडर 25 सिटीज, 12 आपके कितने भारत के, 3 आपके पाकिस्तान के। तो वी आर इंडियंस, हम कहीं पे पीछा नहीं रहते, ठीक है, हम हर जगह आगे रहने की कोशिश करते, ठीक है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, ठीक है, दैट इज ए, गाजियाबाद। नेक्स्ट थिंग इज, भारत में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF टेस्ट ट्यूब बेबी का उपयोग करके किस मवेशी की नस्ल का पहला बछड़ा पैदा हुआ था, सहीवाल, बन्नी, ओंगोल या मुर्रा। सर आपके बाल इतने घने कैसे है? ठीक है भैया, जेनेटिक्स नाम की एक चीज होती है, जेनेटिक्स, इसको बोलते हैं अनुवांशिकी। हमारे पूर्वज रहे होंगे राक्षसी, तो वो दे गए हमको, उनने कहा ले बेटा ले जा, धन्यवाद। तो वेरी गुड, ठीक है। तो आपका पहला बेसिकली जो बछड़ा पैदा हुआ है, मेल बछड़ा पैदा हुआ है, वो आपकी कौन सी ब्रीड से पैदा हुआ है, बन्नी से। बन्नी आपकी बेसिकली देखने को जो मिलती है, ये आपकी गुजरात में देखने को मिलती है, और हाई मिल्क वेराइटी यील्डिंग बफेलो है, भैंस है आपकी। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बी, ठीक है, तो बी, बन्नी गुजरात, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट थिंग इज, कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फेट के कारण पानी में स्थायी कठोरता आ जाती है। जब यूपीटेट पढ़ रहे थे हम, तब हमने पढ़ा था हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में, जल की कठोरता, अस्थायी और स्थायी, ठीक है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट या फिर क्लोराइड की वजह से स्थायी आती है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट की वजह से अस्थायी आती है। तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट के कारण पानी में स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है, सल्फोनेट विधि, नाइट्रेट विधि, जियोलाइट विधि, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। मेरी गुड इवनिंग नहीं लेते सर, शादी हो गई साहब की सर, हाँ बचपन में बाल विवाह, ठीक है, और जैसे बाल विवाह होने वाला था ना, उसको पता लगा कि ये राक्षस से शादी हो रही है, चटक गई वो। मेरा गुड्डा इवनिंग, गुड्डा इवनिंग लेना है तुम्हारा, गुड्डा ले ले तुमसे, पढ़वा है बन्नी, नहीं बन पढ़ा है। चलिए वेरी गुड, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, इस प्रश्न का उत्तर देखिए, उस टाइम भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, देयर आर वेरियस मेथड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस को हटाने के लिए आप बॉइल कर दो, क्लोरीन मिला दो, पोटेशियम मिला दो, लाल दवाई बुला दो। बट आपको अगर परमानेंट मेथड परमानेंट हटाना है, तो आयन एक्सचेंज मेथड होता है, ठीक है, जियोलाइट मेथड होता है, परम्यूटेड मेथड होता है, और क्लार्क मेथड होता है। इनसे आपका क्लार्क विधि द्वारा, परम्यूटेड विधि द्वारा, जियोलाइट विधि द्वारा, आयन एक्सचेंज विधि द्वारा, इन सारी विधियों से आपका स्थायी कठोरता हटाई जा सकती है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सी, ए लगाने वालों नाचो। मेरी भी बचपन में हो गई थी, 55 बच्चन है, बहुत बढ़िया, ठीक है, जिला खोल लेते हैं अपन दोनों मिलके, ठीक है, और जिला का नाम रखेंगे बाल जिला, वहां सारे बच्चों के बाल बढ़वा देंगे, ठीक है। गैलेना निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, ठीक है, तो गैलेना इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, टिन, कॉपर, लीड, नहीं, सीसा या फिर सोना,
ठीक है। तो बताइए गैलेना निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, टिन, कॉपर, लेड या फिर सोना? ओ इनोसेंट गर्ल, ठीक है, हिंदी पढ़ते हो तो विधवा नहीं होता, विदुर होता, विदुर है। इतनी तो हिंदी हमको भी आती है, विधवा औरत होती है, आदमी विधवा नहीं हो सकता, आदमी विदुर हो सकता है। विधवा हमका चूड़ी तोड़े अपनी, विधवा हो गई। चलिए तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी वेरी गुड। तो गैलेना आपका किसका अयस्क है, लेड का, सीसा का अयस्क है। चलिए निम्नलिखित में से किस पुरातत्व ने सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा स्थल की खोज की थी, राखल दास बनर्जी, सर विलियम जोन्स ने, विष्णु श्रीधर वाकनकर ने या दयाराम साहनी ने? बताइए। वाटर का पीलापन किस कारण की वजह से होता है? वाटर का पीलापन बेसिकली आपका इम्प्यूरिटीज की वजह से होता है, हो सकता है उसके अंदर आपका सल्फेट सॉल्ट ज्यादा आ रही हो, मतलब सल्फेट मतलब सल्फर की सॉल्ट ज्यादा आ रही हो। अरुण वर्मा बता तो दिया, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है तो आपका बेसिकली दयाराम साहनी ने, ठीक है, आपकी हड़प्पा सभ्यता की खोज करी थी, ठीक है, दैट इज इन 1921, 1921 में। चलिए नेक्स्ट थिंग इज प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वैदिक देवी को संबोधित करता है? तो आप लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करते होंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ठीक है, ये आपका गायत्री मंत्र है। ये बेसिकली किस गॉडेस को, किस देवी को आपका अर्जित किया गया है, अदिति को, सरस्वती को, सावित्री को या फिर लक्ष्मी देवी को? बताइए। सेवनटीन का, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है तो सेवनटीन का आंसर है, ठीक है, ये आपका अर्जित किया गया है किसे, ठीक है, दैट इज सावित्री देवी को। नेक्स्ट थिंग इज प्रारंभिक वैदिक युग में विष्णु डैश के नामों से एक थे, सूर्य, अग्नि, ठीक है, गौस, ठीक है, या फिर प्रजापति? तो विष्णु किसके नाम से फेमस थे? मुझे भी करनी है, कोई सरकारी टीचर कन्या हो तो बता देना। अच्छा बहुत बढ़िया, यही रिश्ता फिक्स कर लो, शादी डॉट कॉम चला रहे हैं ना हम, पढ़ो और शादी डॉट कॉम। चलिए तो प्राचीन टाइम पे वैदिक काल में बेसिकली, ठीक है, वैदिक युग में विष्णु जी को सूर्य विष्णु बोला जाता था, सूर्य विष्णु, और ये आपके सूर्य नाम से फेमस थे। ठीक है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ए। नेक्स्ट थिंग इज निम्नलिखित में से किसने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति को मारा था, बृहस्थ ने, वासुदेव कनव ने, ठीक है, और नारायण कनव ने या भूमिमित्र कनव ने? विच ऑफ द फॉलोइंग किल्ड देवभूति द लास्ट रूलर ऑफ द शुंग डायनेस्टी? बताइए। सर आपका नेम भवानी कैसे पड़ा? मजा आ रहा था लोगों को, हमारे घर वालों को, ठीक है, उन्होंने बोला भवानी भवानी भवानी, एक ने बोला भवानी, एक ने बोला प्रताप प्रताप प्रताप, एक ने बोला सिंह सिंह सिंह, एक ने बोला जादव, फिर निक नेम रखने को आया, एक ने बोला रुद्र रुद्र रुद्र, एक ने बोला प्रताप प्रताप प्रताप, एक ने बोला सिंह सिंह सिंह, एक ने बोला जादव, तो ऐसे करके हमारा नाम पड़ गया। मजे ले रहे थे हमारे, जैसे हम दुनिया के मजे लेते, वो हमारे मजे लेके चले गए। चलो तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बेसिकली शुंग वंश के जो अंतिम राजा है, ठीक है, देवभूति,
इनको आपका बेसिकली इनके जो मिनिस्टर है ठीक है उन्होंने मारा था ठीक है, दैट इज वासुदेव कनव ने ठीक है, और ये आपके क्या बने, कनव डायनेस्टी के फाउंडर बने। चेक 17 का बी होगा, 17 का कौन सा, 17 नहीं बेटा, सावित्री, सावित्री जी के लिए है, सरस्वती जी के लिए नहीं है, ये सावित्री जी लक्ष्मी की अवतार है ठीक है। 17 का बी सरस्वती, कमल मत लगा देना, सावित्री के लिए। चलिए, मद्रास के किस राज्यपाल ने टीपू सुल्तान के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे ठीक है, तो जॉक मैकार्टनी ने, सर आर्चिबाल्ड कैंपवेल ने, विलियम मेडोज ने, या सर चार्ल्स ओकले ने। हाँ बेटा उदिता तिवारी, चेक कर लिया, सावित्री ही है। सर आप जादों ने, हाँ रख दिया घर वालों ने तो रहे, वैसे तो इंसान है बट जादों लगा देते नाम के आगे। तो बताइए जल्दी बताए ठीक है। सर आप जाट है क्या, नहीं भैया जाट नहीं, जो कड़ी खड़ी कर दे खाट वो है जाट। सर आप मालिक हो, हम मालिक भी है, हम मालकिन भी है, राक्षस भी है, देवता भी है, जो बुलाओ हम वो ठीक है। पढ़ लो, जल्दी बताओ। चलो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ठीक है, 11 मार्च ठीक है, 11 मार्च 1784 में ठीक है, जॉर्ज मैकार्टनी के साथ ठीक है आपका टीपू सुल्तान ने ट्रीटी साइन करी थी ठीक है। तो 11 मार्च 1784 हिंदी में ठीक है, 1784 इंग्लिश में ठीक है, जॉर्ज मैकार्टनी ने टीपू सुल्तान के साथ आपकी साइन करी थी क्या, संधि। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ए। नेक्स्ट थिंग इज किम्बरले प्रोसेस ठीक है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो किम्बरले प्रोसेस इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग, सोना, हीरा, अदर कीमती पत्थर या एल्यूमिनियम से। बताइए पूरा नाम क्या है सर, अरे बेटा पढ़ ले, हमारे नाम नहीं आएगा एग्जाम में कि भवानी सर का पूरा नाम क्या था, यादव था, जादव था, जाट थे, कछवा थे, कछुआ थे। चलिए तो बेसिकली किम्बरली प्रोसेस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आपका हीरे से संबंधित है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पौधे में लैग हीमोग्लोबिन पा सकते हैं। लैग हीमोग्लोबिन एक तरीके का रंजक है ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन स्केवेंजर बोला जाता है ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन स्केवेंजर बोला जाता है, बिकॉज आपका जो एंजाइम होता है नाइट्रोजनेस ठीक है, वो आपका ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करता है ठीक है, या पर आपका जो बेसिकली राइजोबियम है वो आपका ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करते हैं, तो वहां पे अगर पेड़ के अंदर ऑक्सीजन आ गई रूट्स में तो वो क्या, उसको ऑक्सीजन को हटाने वाली चीज चाहिए, तो वहां पे ये रंजक लैग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्केवेंजर की तरह, ऑक्सीजन मृत भक्षी की तरह काम करता है, ये कोई भी ऑक्सीजन अगर प्लांट की रूट में आ गई है उसे खा जाता है ठीक है। तो किस में मिलेगा, गेहूं में, सोयाबीन में, आलू में, बैंगन में। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, अरे नालायक अभी बताया राइजोबियम ऑक्सीजन स्केवेंजर, राइजोबियम कहाँ मिलेगा ठीक है, ठीक है तो किसके अंदर मिलेगा, सोयाबीन में मिलेगा ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये काम करता है, ये आपका दलहनी पौधों के भीतर में। चलिए, मानव रक्त का कौन सा मतलब ना, मानव रक्त का
कितना अंश प्लाज्मा होता है, मतलब हमारा जो ब्लड है, रक्त जो है, इसमें दो चीज होती है, इसमें दो चीज होती है, एक तो इसका तरल भाग होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, और एक चीज होती है इसमें क्या, सेल्स, जिसको हम बोलते हैं कोशिका। तो आपका बेसिकली मानव रक्त के भीतर में कितना परसेंट आपका प्लाज्मा मिलता है, कितना परसेंट कोशिका मिलती है? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, वेरी गुड। तो आपके ब्लड के अंदर 55 से 60% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और 40 से 45% होता है क्या, कोशिकाएं। ठीक है, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन नहीं है? ठीक है, फोलिक एसिड, ओलिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड, तो कौन सी चीज इसमें से विटामिन नहीं है? सीटेट का रिजल्ट आ गया क्या? नहीं बेटा, अभी नहीं आया। एल्टीब्रेट ग्रेड का बैच कब आएगा? निर्भय सिंह राठौर, ठीक है, जल्दी ही आएगा, यूपीटेट के रिजल्ट के बाद। चलिए नेक्स्ट थिंग इज, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी फॉलिक एसिड, ओलिक एसिड। चलिए देखिए, फॉलिक एसिड आपका वाइटामिन B9 है, ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड आपका वाइटामिन B5 है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड आपका वाइटामिन सी है। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, ट्रेन पे पैसेंजर बे फालतू चढ़ आए, दैट इज B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 और B17, और केड़ा सी, दैट इज फोन तो करिए। ठीक है, तो देखिए ये सारे तो आपके विटामिन की हो गए। ठीक है, तो देखिए B9 में कौन सा है, एफ वाला है, तो फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड। ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड B5 में, देखिए पे B5 पे, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, केड़ा सी फोन तो करिए, ए सी वाला है, तो कौन सा नहीं होगा, ओलिक एसिड आपका, ये एक फैटी एसिड होता है, वसी अम्ल होता है। चलिए, कौन से दो देश काराकोरम पास द्वारा जुड़े हुए हैं, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, चीन पाकिस्तान, या फिर भारत नेपाल? आज पिज्जा खाने चलेंगे मेरे साथ, भवानी की दीवानी, जो भी है, ठीक है, एक्स वाई जेड, जो भी हो भाई, पढ़ ले, घर वाले ने जे करने के लिए नहीं भेजा, पिज्जा खाने चलेंगे आप भाई साहब, ठूसा खाओगे? चलो, तो कौन से देश आपके जुड़े हुए हैं, ठीक है, काराकोरम पास द्वारा? वेरी गुड, भारत और चीन आपका काराकोरम पास द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, विश्व का अधिकांश तेल निम्नलिखित में से किस खाड़ी से आता है? फारस की खाड़ी से, बहरीन की खाड़ी से, ओमान की खाड़ी से, खाड़ी द्वीप समूह से? बेटा 25 तारीख को यूपीटेट। अरे आ जाएगा सीटेट, जिसको जब सी रिजल्ट जब आना होगा आ जाएगा, काहे तुम बरबराते रहते हो। चलिए, तो सबसे ज्यादा तेल आपका कहां से निकलता है बेसिकली? सी ओमान की खाड़ी से? नहीं, ये आपकी फारस की खाड़ी से, पर्शियन गल्फ से निकलता है, जो कि बेसिकली आपका एक इंडियन ओशन का क्या है, एक्सटेंशन है, जो कि आपका कहां बेसिकली फैला हुआ है, आपका ईरान और अरब के पेनिनसुलार के पास, ठीक है, ईरान और अरब के प्रायद्वीप के पास में है। चलिए, किस ग्रह को शीत ग्रह भी कहा जाता है? बुध, नेपच्यून, बृहस्पति या यूरेनस? ठीक है, तो
तो विच प्लैनेट इज नोन ऑल्सो कॉल्ड एज विंटर प्लैनेट? किस ग्रह को शीत ग्रह भी कहा जाता है? कौन से प्लैनेट को शीत ग्रह कहा जाता है? यूपी एलटी ग्रेड का एग्जाम कब तक होगा? तो अभी तो बेटा नहीं होगा, ठीक है, वो जब भी होगा चुनाव के बाद नोटिफिकेशन आएगी, मोस्ट पॉसिबल जुलाई अगस्त तक। नेपच्यून, अरे नालायको, शीत ग्रह पूछा गया है, सबसे ठंडा ग्रह नहीं पूछा मैंने। चलिए, तो किस ग्रह को आपका शीत ग्रह बोला जाता है? ठीक है, तो बृहस्पति को आपका शीत ग्रह बोला जाता है, बिकॉज इसका एवरेज टेम्परेचर नॉर्मल ग्रहों से क्या है, कम है, ठीक है, इसलिए इसको हम विंटर प्लैनेट बोलते हैं। चलिए, सबसे ठंडा ग्रह आपका नेपच्यून है। नेक्स्ट थिंग इज, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? ठीक है, तो आपको पता है भारत की संविधान में, ठीक है, 8वीं अनुसूची की तहत तो आपकी कितनी लैंग्वेज आती है? 22 भाषाएं आती है, ठीक है, 22 भाषाएं आती है। तो कौन सी भाषा आपकी, ठीक है, 8वीं अनुसूची में नहीं है? डोगरी, राजस्थानी, सिंधी या मणिपुरी? सर एनवीएस की भी तैयारी कराओ सर। विशाल गोस्वामी एनवीएस में क्या, अभी एनवीएस का तो आने तो दो, मिल जाएगी, तैयारी करवा देंगे, आने तो दो अभी। तब तक एनवीएस में भी जनरल अफेयर्स आता है, मतलब जनरल अवेयरनेस आती है, ये तो तैयारी करते चलो। तो वेरी गुड, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी राजस्थानी आपकी लैंग्वेज, ठीक है, 22, मतलब 8वीं अनुसूची के तहत 22 लैंग्वेजेस में नहीं आती है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने फोर्ट विलियम्स में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जूरिस्ट जूरिस्डिक्चर बनाया था? ठीक है, जूरिस्डिक्चर नहीं, जूरिस्डक्शन, जूरिस्डिक्शन, जूरिस्डिक्शन, तो बताइए। तो विनिमयन अधिनियम 1773, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, डंडास बिल द्वारा, ठीक है, दैट इज 1783, और 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत, ठीक है। तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर टू दिस क्वेश्चन विलियम, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट क्रिएटेड सुप्रीम कोर्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन एट फोर्ट विलियम, द रेगुलेटिंग एक्ट विनिमयन अधिनियम 1773 का। और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है, रोवर्स कप आपका किस खेल से संबंधित है? सर सीटेट का रिजल्ट कब तक आएगा? बेटा जब आना होगा आ जाएगा, टेंशन मत, बोल। ठीक है, तो रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, तो रोवर्स कप आपका किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, ये आपका भारत में होने वाला फुटबॉल का टूर्नामेंट है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका आज का सेशन, ठीक है, ऐसे ही आपका कल के सेशन में हम मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ, ठीक है। टिल देन हैव ए नाइस डे, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, थैंक यू।